very thankful. मेरे को यहाँ बिहार में बुलाया और इतने आने के साथ इतना काम दिखाने का मौका दिया. तो मेरा जो थॉट है वो मेरी ज़िंदगी से काफ़ी जुड़ा हुआ है. जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मैं बीमार हो गया था. तब ऐसा था कि आज मेरा या कल मेरा. तो उस टाइम में ऐसे टाइम में आदमी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाता. गीता पढ़ी उस टाइम पे ये होता. तो उस टाइम में जो गॉड का जो कॉन्सेप्ट है या ये सारे जगत का जो कॉन्सेप्ट है वो आदमी फील करता है कि भाई जितने भी प्राणी हैं जगत के अंदर, चाहे वो कोई भी एनिमल है, चाहे वो बर्ड है, चाहे वो आदमी है, इट्स अ पार्ट ऑफ वन यूनिवर्स एंड दे हैव ए इक्वल इम्पॉर्टेंस. कोई छोटा बड़ा नहीं है. मच्छर का भी अपना रोल है, आदमी का अपना रोल है और एनिमल का भी अपना रोल है. सो एंड दैट वे एवरीबॉडी इज इक्वल इन वन प्लेटफॉर्म. तो उसीलिए मेरे पेंटिंग में जानवर आ जाते हैं. कभी उसका सिर आदमी का हो जाता है, कभी आदमी का सिर उल्टा हो जाता है, मतलब उसके ऊपर हो जाता है. तो उस तरह से और मिस्ट्री इस जगत की जो है वो कभी सॉल्व नहीं होती है. हम किसी भी फील्ड में देख लें, चाहे डॉक्टरी देख लें, साइंस देख लें, या किसी भी उसमें देख लें, हम खोजे जा रहे हैं लेकिन मिस्ट्री सॉल्व नहीं हो रही. एक को सॉल्व करते हैं दूसरी खड़ी हो जाती है. सो और मिस्ट्री का ये है कि उसको सॉल्व करने का एक बड़ा अपना ही चार्म है. जो चीज़ पता लग जाती है वो तो ख़त्म हो गई, लेकिन जो नहीं पता लगता उसके लिए इंटरेस्ट रहता है, उसको खोजने की बड़ी इच्छा रहती है. सो मेरे उसके अंदर जो एक एलिमेंट है वो आई वांटेड टू क्रिएट ए मिस्ट्री आउट ऑफ इट. उसकी प्लेसमेंट से, उसके डायलॉग से, उसकी स्पेस से, वो सारा वो है. तो ये आदमी के अंदर एक आर्टिस्ट जो है ना समुद्र की तरह फील करता है, और जो लहरें हैं उसके थॉट की तरह आती हैं, फिर वापस उसी में समा जाते हैं. दिस इज माई होल आई.